टी यूडीसी की एजेंसी के तहत शहरी पेयजल आवर्धन योजना में नगरवासियों को साफ स्वच्छ जल पिलाने के उद्देश्य से पाइपलाइन बिछाने का कार्य इन दिनों नगर में चल रहा है। कार्य करने वाली एजेंसी इन दिनों अपनी उदासीनता के चलते कार्य धीरे कर रही है, इसलिए नगर परिषद देपालपुर द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत किए जाने वाले 1 करोड़ से अधिक निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। वहीं आम लोगों को इस कार्य के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्य को शीघ्र करने के लिए इंदौर नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यपालन यंत्री अरुण मेहता देपालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एमपीयूडीसी एजेंसी के ठेकेदार को कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करने के लिए निर्देशित किया गया और यह भी कहा गया कि जिन वार्डो में विकास कार्य किया जाना है उन वार्डो में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जाए। बाकी काम एमपीयूडीसी के पाइपलाइन और खुदाई वगैरह की वजह से रुका पड़ा है। वो प्रयास इनको यही रहा है कि जल्दी से जल्दी एमपीयूडीसी के पाइपलाइन का काम हो जाए तो शहर में एक पानी की सुविधा भी हो जाएगी, दूसरा हमारी रोड भी जो अधोसंरचना में वो भी अच्छी अपने ढंग से कहा है कि नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ डिपार्टमेंट एमपीयूडीसी पाइपलाइन डालने का काम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन करने के लिए एमपीयूडीसी कर रहा है, वो उनकी अपनी कोई समस्या हो सकती है। बाकी हमें यह है कि कम से कम हमारी जो अधोसंरचना वाली साइट है सड़कों की वो कम से कम हमारे को क्लियर करके दे दे और रेस्टोरेशन वगैरह वो उसको पाइपलाइन डाल के रेस्टोरेशन वगैरह कर दे तो हमारा काम सुचारू रूप से हो जाए तो शहर के लोगों को कॉन्क्रीट वगैरह सड़कें वड़कें दिखने लगेगी तो अच्छा लगेगा। आश्वासन तो ये है कि अब वो उन्होंने तो कहा है कि हमको रोड को चिन्हित कर दें, हमको बता दें, तो वो ठेकेदार का कहना है कि हम कर देंगे इंतजार।